से विरोध किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के बाद भी मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ का तृतीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ, संघ का जिला कार्यवाह हूँ। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि जिसने भी इस तरह का अभियान चलाया है वो गलत चलाया है। विद्वान की कोई जाति नहीं होती, विद्वान का कोई धर्म नहीं होता। यदि हमारा पूज्य विद्वान प्रसन्नतापूर्वक संस्कृत में प्रोफेसर की डिग्री प्राप्त करके अध्यापन करना चाहता है तो मैं उस महान व्यक्ति को पूज्य भाव से नमस्कार करता हूँ और स्वागत करता हूँ, उसके नियत स्वागत करता हूँ। और मैं वहाँ के विद्यार्थियों से भी कहूँगा कि इस तरह से छोटी चिंतन रख करके बड़ा मन बड़ा देश नहीं बना सकता। मालवीय जी का बड़ा चिंतन था, हमारे सब लोग हमारे भाई हैं भाई, प्रोफेसर गुरु गुरु होता है, चाहे हिंदू हो। ये तो और शोक की बात है, इस प्रतिष्ठा की बात है। कोई मुसलमान जो संस्कृत का अध्यापन कार्य करे, इससे सौभाग्य क्या हो सकता है? मैं तो उस व्यक्ति को चल करके माला बना सकता, चाहे इसके लिए हमको चाहे कोई गाय भले गाली देगा, बिल्कुल जो है बिल्कुल गलत चीज़ है। और इसका जो है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए, मैं इसका विरोधी हूँ। जी बताइए, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी और इससे आप कितना उत्साहित हैं? अब देखिए, अब इसमें उत्साहित कितना, इसका कोई मानक तो होता नहीं है, लेकिन यह प्रमाणित हो गया कि भारत की राजनीति में हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे नेता आदरणीय पीएम प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कहीं कोई विकल्प और जुड़ाने जवाब नहीं। भाई जो जैसा सोच का होता है उसको उसी पेज से पटका जाता है, तो वो जो है गठबंधन धर्म का निर्वाह न करके सरकार बनाना चाहते थे, तो उस खेल में भी हमारे नेता उनको पटकनी दे दिए, इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। भाई कांटे पर कदरी फरे कोट जतन को सींच, और बिनय न मान खगेश सुनो डांटे पर नवनीच। सिद्धांत विहीन आदमी को मर्यादा छोड़ करके भी दंडित किया जाता है, उत्तर दिया जाता है। और पवार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी फर्जी तरीके से हमारे विधायकों के सिग्नेचर करके और अपने सरकार बनाएगी। देखिए, अब शरद पवार जी जिस तरह की बात बोलते हैं तो इसका मतलब वही हाल है कि जो आप देखे होंगे, कभी कभी आप देखे होंगे कि जो है जितना ही जो कुछ आप नर्तकी को देखे हैं ना, तो नर्तकी लोगों की स्थिति वही होती है कि अपनी बात को मनवाने के लिए और अपनी बात को ऊपर रखने के लिए वो किसी के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, तो वही हाल है। अब सवाल है कि राजनीति में कोई मर्यादा है नहीं। अब बदले शिवसेना के साथ गठबंधन बना करके और सरकार बनाने की नीयत यदि कोई नेता रखता है राजनीति की बात, तो उसको क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल विचारधारा अलग, धाराएँ अलग, सिद्धांत अलग, चिंतन अलग, और केवल पद पाने के लिए इस तरह का चिंतन शिवसेना के लोग कर रहे थे, तो उनका जवाब उचित और इससे सुंदरतम जवाब हो ही नहीं सकता है जो दिया गया।